नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामलें कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रवर्तन निर्देशालय हाजर हे एथिपाई राहुल ईडी अभिमुखे बाहरी मनी लॉन्ड्रिंग मामलें राहुल को ईडी जून 2 तारीख हाजर होगा डकैता कि विदेश में या कही राहुल हाजर हो पारे ईडी द्वितीय नोटिस पर राहुल गांधी आज हाजर हे ईडी रे राहुल गांधी को हाजर होगा नहीं कांग्रेस सत्याग्रह करने को घोषणा करी ईडी रे राहुल हाजर होगा बेले सारा देश में प्राय 25 टी ईडी आंचलिक कार्यालय सम्मुखें कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करुछि एथिपाई दिल्ली कांग्रेस कार्यालय आगे दलय नेता एकजुट होबार लागिछंती पुलिस किछि कर्मी को अटक रखी सेपरि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामलें सोनिया को जून 8 तारीख में ईडी हाजर होबार थिला किंतु 2 तारीख में सोनिया कोविड रे आक्रांत होइथिले यापर से ईडी हाजर होबाक समय मागिथिले जून 23 तारीख में सोनिया को हाजर होबाक ईडी कहिथिला एबे हॉस्पिटल भर्ती होबा पर सोनिया ईडी हाजर हेबे कि नाही ता स्पष्ट होइनाही ईडी आज हाजर होबार अच्छी राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामलें एने कि वर्तमान ईडी कार्यालय अभिमुखे बाहरी सारी कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं ईडी ऑफिस अभिमुखे बाहरी सारी प्रतिवाद देशव्यापी कांग्रेस सत्याग्रह करुच्ची सबू ईडी ऑफिस आगे सबू ईडी आंचलिक ऑफिस आगे विक्षोभ करार कार्यक्रम अच्छी किंतु दिल्ली में समावेश करने अनुमति मिलना पुलिस तरफ ईडी रे हाजर हेबे राहुल गांधी और परवर्ती समय रे सोनिया गांधी को मध्ये समय निर्घंट करा जून 23 तांकर कोरोना स्थिति को नजर रखी किंतु वर्तमान सोनिया गांधी जेहेतु असुस्थ हो हॉस्पिटलाइज्ड अछंती तो परवर्ती समय से ईडी रे हाजर हेबे कि नाही ता वर्तमान पर्यंत स्पष्ट होइनाही अनपटे देशव्यापी कांग्रेस करूछि सत्याग्रह जेहेतु राहुल गांधी को मध्ये आज ईडी तरफ ईडी हाजर हेबा नै निर्देशनामा रहिछि एवं राहुल गांधी मध्ये ईडी रे हाजर होगापी बाहर सारी वर्तमान ईडी कार्यालय अभिमुखे यार प्रतिवाद देशव्यापी विभिन्न ईडी आंचलिक कार्यालय सम्मुखें विरोध करुच्ची कांग्रेस ईडी ऑफिस अभिमुखे बाहर सारी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रतिवाद देशव्यापी कांग्रेस करुच्ची विद्रोह सबु ईडी आंचलिक ऑफिस आगे विक्षोभ जारी रही नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामलें पूर्व मां पु को मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी हाजर होगा प्रवर्तन निर्देशालय तरफ नोटिस जारी करा जाई थिला किंतु जो समय सीमा रखा जाई थिला जून 2 एवं जून 8 परवर्ती समय रे जून 2 रे कोरोना पॉजिटिव होइथिले सोनिया गांधी और परवर्ती समय रे तांकर जो हाजर होबार जो समय सीमा थिला था जून 23 को घुंचा जाइथिला किंतु वर्तमान सोनिया गांधी जेहेतु हॉस्पिटल रे अछंती तांकर शारीरिक असुस्थता कारण तो हॉस्पिटल रु फेरिला परे ईडी ऑफिस रे हाजिर हेबे कि नाही से नै किछि स्पष्ट सूचना मिली पारे नाही किंतु पूर्वरु जो नोटिस करा जाइथिला राहुल गांधी को ईडी ऑफिस रे हाजर हेबा पई सेतबेले विदेश गस्तरे थिबा जको ईडी कार्यालय रे हाजर होइ पार नथिले राहुल गांधी वर्तमान ईडी कार्यालय अभिमुखे जाउछंती राहुल गांधी एवं अन्य पटे आपण देखि पारिबे जे एई एहा को विरोध करी ईडी रो एई डकरा को वर्तमान विरोध करी ईडी विभिन्न आंचलिक कार्यालय आगे कांग्रेस नेता माने धारणा रे बसछंती ईडी ऑफिस पोगान कांग्रेस नेताकले अदायत जनप्रतिनिधि एमपी मारे पोलुम अनुवदिकात काडन नीतियाण ई केंद्र सरकार दिल्ली पोलीस रे कोंडि इवड नडपाकी कोंडिरिक्कुन्नु कांग्रेस एआईसीसी ऑफिसिनु चुट्टुपाडुम 144 डिक्लेयर चेय्तुकोंड नेताक्कन्मारेक्क संजरिक्कुवानुल्ल स्वातंत्र्यम पोलुम इल्लाताक्किकोंड ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അവരെ അപ്പത്തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടികളാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി പോലീസിനെ കയറൂരി വിട്ട് അവർക്ക് എന്തും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ എന്തും നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ ईडी द्वितीय नोटिस जहाँ रही वर्तमान आज हाजर होगापी राहुल गांधी को कितु पूर्व राहुल को ईडी जून 2 तारीख में हाजर होगा डकैता विदेश में थे राहुल एथिपाई से ईडी कार्यालय में हाजर हो पार नथिले किंतु आज द्वितीय नोटिस हिसाब रे राहुल गांधी हाजर हे ईडी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए हमारे नेतृत्व को झुकाने के लिए 8 साल से मोदी सरकार ने ईडी चोटी का जोर लगा रखा है लेकिन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर नेता देश के साधारण व्यक्ति देश के वंचित देश के शोषित देश के गरीब देश के दलित उनकी आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है और अडिग रहेंगे हम लोकतंत्र के सिपाही हैं
और संविधान के रखवाले हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और हर भाजपाई हथकंडे को विफल कर दम लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 136 साल से इस देश के हर व्यक्ति की आवाज है। हम उस गांधी के वंशज हैं जिन्होंने निहत्थे रहकर देश की जनता की ताकत के बल पर तानाशाही ताकत को, अंग्रेज की ताकत को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने को विवश कर दिया था। ये कांग्रेस नहीं, ये देश की धरोहर है, ये इस देश की विरासत है, यह विश्वास का एक मसौदा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश इस धरोहर को हर हालत में सुरक्षित रखेगी, यह हमारा संकल्प है। अपनी सफलताओं, अपनी असफलताओं पर झल्लाई हुई हुकूमत को आज हम बता देंगे कि हम राष्ट्रीय विरासत को बचाए रखने के लिए कल भी दृढ़ संकल्पित थे और आज भी दृढ़ संकल्पित हैं। हम आपको बार बार एक्सपोज करेंगे, हम मध्यम वर्ग व गरीब की आवाज बने रहेंगे, यही कांग्रेस है और यही हमारा धर्म है और हम ये निभाएंगे। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामलें वर्तमान ईडी हाजर होती कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं सबु ईडी ऑफिस आगे यार प्रतिवाद करी कांग्रेस विक्षोभ प्रदर्शन करी अधिक आलोचना करिबा सीनियर करेस्पोंडेंट सुमंत सुंदराय अछि आवस्त फोन लाइन दे। सुमंत, राज्य में वर्तमान कौन केमती कांग्रेस रो प्रतिवाद करा जाउछि? कारण एकु नै कि देशवासी सारा राज्य रे प्रत्येक राज्य रे ईडी ऑफिस आगे प्रतिवाद होउछि, किंतु सबुठ बंदिता सबुठ बड़ खबर होउछि एआईसीसी रो संपादक ओडिशा प्रदेश कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता शरद राउत को वर्तमान दिल्ली रे पुलिस अटक रखी मंदिर मार्ग पुलिस थाना अटक रखी ये जिते बे एआईसीसी कार्यालय को जाते पुलिस एआईसीसी कार्यालय को एंट्री करने को देना समेत पांच जन एमएलए और उत्तर प्रदेश में किसी नेता अटक रखी ये सब बर्तन अपडेट नि द्वितीय कथा ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटर सभापति शरद राउत नेतृत्व में सीआरपी छकर कांग्रेस गोटे बड़ टीम सुरेश राउतराय शरद पट्टनायक आरंभ कर प्रसाद हरिचंद्र और अन्य वरिष्ठ नेता मैंने गोटे राली जा बर्तमान सीआरपी छक ऑफिस जो आई एस भिलेज अच्छी ईडी ऑफिस सेठी से प्रतिवाद करेंगे जेहेतु राहुल गांधी को ईडी डाकि पचरा नेशनल हेराल्ड मामलें जो आर्थिक कारबार संक्रांत में ईडी खोलताड़ करुच तेनालीरि प्रतिवाद कर कांग्रेस स्टैंड हूँ जेहेतु राजनैतिक उद्देश्य प्रणीत करजेपी तार सुविधा नापी एभली भाव ईडी की व्यवहार करती जहाँकि अगणतांत्रिक कारण सोनिया गांधी राहुल गांधी को नोटिस न्याय भाव दुर्भाग्यजनक कांग्रेस कहती कितु न्याय भावे मोटामोटी भाव में ईडी जिते बड़े इंटरग्रेट कर पचार राहुल गांधी को ता भर कितु कांग्रेस सारा देश में सब राज्य रही ईडी अफिस् प्रवर्तन निर्देशालय अफिस् से प्रतिवाद करेस तेणु ये घटना को क्यों मोड़ नौ राहुल गांधी के ईडी कौन करुच्ची तार क्वेश्चन करुच्ची किंवा आरेस्ट करुच्ची समस्त नजर रही निहाती। धन्यवाद सुमंत सविशेष आलोचना पाई।